Hello friends! वेलकम बैक टू जीनास अप्रोच मैं हूं सुप्रिया आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे सो so, इसी प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया भी ताकि कि आपको बायोडेटा की भी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए पहले से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कैसे आपको बायोडेटा को क्रिएट करना है जो कि काफी इफेक्टिव होगा आपने आई होप देखा भी होगा दीपांशु सर के साथ जो मैंने आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराया था मैंने उनके बारे में आपको पूरा बताया था उन्होंने क्या क्या बताया कैसे कैसे उनका इंटरव्यू प्रोसेस हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा उन्होंने जो जो बातें बताई ठीक है अगर आपको लगता है आपके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक

आपको देखेंगे देखो सबसे पहले बताती हूँ क्या क्या चाहिए आपका नेम एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंट मतलब एड्रेस चाहिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए फादर या हस्बैंड का नेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अब बात होती है यहाँ पे जब आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात होती है कि क्या क्या चीजें हैं क्या पढ़ा, क्या क्या आपने की है पढ़ाई तो यहाँ पे जस्ट वेट अ सेकेंड यस yes. हाँ. तो यहाँ दिक्कत क्या होती है आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो ब्लॉक्स कितने छोटे 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 हैं है ना मान लीजिए मेरे स्कूल का नाम काफी लंबा है ओके सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल या फिर बहुत तो, कॉलेज का नाम इजाबेला कॉलेज अगर इतना लंबा मुझे नाम लिखना है मेरे पास स्पेस नहीं तो देखो पेन से आप लिखोगे अच्छे से स्पेसिंग नहीं पाएगी आपको दिक्कत होगी ठीक है सबसे बेस्ट क्या है आप इनका फॉर्मेट देख लीजिए जैसे कि रिज्यूमे चाहते हैं ऑफकोर्स हमें देना तो वैसे ही पड़ेगा इनके ही रिज्यूमे के हिसाब से आप क्या करो आप वर्ड में कि ऐसे किया ना उनका काफी था और वो बता भी रहे थे कि उनकी तरह वहां काफी लोगों ने ये काम किया था ठीक है तो ट्राई करिएगा इसको हाथ से पेन से या ऐसे ऐसे करके भरेगा नहीं बहुत ही मेसी सा दिखेगा आपको ठीक है अभी मैं आपको शो करती हूँ कितने अच्छे से दिख रहे है जब उन्होंने खुद से अपने हाथ से रिज्यूमे बनाया ठीक है ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ बना के तो यहाँ पे फिर आपको एक्सपीरियंस बोलते हैं फिर बोलते शॉर्ट अपने बारे में ऐड करने का और स्पेशल अचीवमेंट है तो जरूर ऐड करें वो काफी अच्छा आपका इंप्रेशन डालता है फिर डेट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट अंडरटेकिंग ये ये सारी बातें यहां पे रहती है ठीक है अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो मैंने आपको दिखाया है जो केवी के साइड से मिलता है बायोडेटा ठीक है अब बात करते हैं जो दिबांशु सर ने बनाया था वो ये था ठीक है उन्होंने फॉर्मेट वही यूज किया तरीका वही देख के यूज किया बट अपने हिसाब से लाइक फोन यूज किया ब्लॉक्स में स्पेसिंग कर लिया जैसे कि देखो मैं पे आप्जाम्पल ले रही हूँ पोस्ट ले लिया आपने पी आपने लिखा अपना रोल नंबर जो भी आपका रोल नंबर आया है सेलेक्ट हुए हैं आप, आपका रोल नंबर तो है ही फिर बात करेंगे कैटेगरी के ठीक है आप लिखोगे कैटेगरी फिर अपना नेम एड्रेस क्या है एड्रेस में याद रखिएगा पिन कोड पूरा चीज सब कुछ लिखेगा ये नहीं आधा अधूरा एड्रेस लिख दिया ठीक है पिन कोड हो गया सिटी हो गया डिस्ट्रिक्ट हो गया सब कुछ लिखना चाहिए उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सही सही लिखेगा फादर नेम एकदम सही मोबाइल नंबर ई मेल सारी डिटेल्स एकदम प्रॉपरली आराम से लिखेगा ठीक है कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है आराम से लिखेंगे ठीक है अब देखते हैं अब देखिए यही मैं आपको इंपॉर्टेंट कह रही थी एकेडमिक जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या आपने किया क्वालिफिकेशन उसी में ही आपका जाता है ठीक है तो बी आप जानते हुए होंगे ये सब आपकी प्रोफेशनल डिग्री में आती है ठीक अब जैसे आपने यहाँ पे ले लिया आपका शुरू हो गया आ गया टेंथ के बारे में ठीक है टेंथ को बोलते हैं मैट्रिकुलेशन ये भी बोला जाता है तो आपने ये लिख दिया ईयर ऑफ पासिंग बता दिया ठीक है सब कुछ लिखा अब देखो यहां पे सब्जेक्ट कितने प्रॉपरली लिख, लिख लिया इंग्लिश हिंदी मैथ्स देन साइंस सोशल साइंस प्रॉपरली लिखा ठीक है अब अगर आप यहां पे इसको हाथ से लिखने चलोगे तो आप भी जानते हो प्रॉपर नहीं लिख पाओगे ठीक है तो ये आपका फॉर्मेट आपको फॉलो करके लेके जाना है अच्छा देखिए यहाँ पे पूरा पूरा कॉलेज के बारे में देखो नाम आप खुद डिफरेंस देख रहे होंगे इसी चीज को हाथ से लिखना इसी चीज को टाइपिंग से लिखना दोनों में काफी फर्क होता है ना टाइप करके चीजें क्लियर दिखती है हैंड से उतनी क्लियर नहीं दिखती

मंथ में था ओके आई थिंक ना इन्होंने मंथ में इसलिए लिखा होगा क्योंकि यहां पे देखिए यहां पे देखिए मंथ में लिखा हुआ है ठीक है तो इसको नहीं बदलना है ये मत सोचिए आप अपने हिसाब से बड़ा नहीं बिल्कुल नहीं यूज यही करना है बट तरीका थोड़ा सा अपना लगाना है ब्लॉक लॉक के हिसाब से ठीक है लिखेंगे वही फिर बोर्ड आते यूनिवर्सिटी कौन सा आपका वो था तो यहाँ पे देखो सब कुछ आपको मैंशन कर दिया ओके आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से याद रखिएगा पहले टेंथ ट्वेल्थ ऐसे ही फॉलो करेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगता है उल्टा लिखना मुझे नहीं समझ में आता आप सीधा लिखते हो ना तो पता चलता है कि हां जी एक क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में देखता है जी छोटे से बड़ा पर आपने लिखा ओके चलो ये तो आपको समझ में आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब आते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट जो कि आपको अपने बारे में लिखना है आपने खुद देखा है रिज्यूमे में देखिए बकायदा मेंशन किया गया है ओके ये देखिए बकायदा मेंशन किया गया है ठीक है और अगर आप अपना चाहते हो कोई एक्सपीरियंस शो करना तो आप कर सकते हो ठीक है बट आपको वहां पे ना थोड़ा सा अटैच करना पड़ेगा अपना पे स्केल वगैरह भी कितना आपको मिलता था क्या था तो वो भी आप चाहो तो अटैच कर सकते हो फिर अब आगे आते हैं शॉर्ट नोट है कि आप क्यों इस पोस्ट के लिए सुटेबल हो तो आप अपने अच्छे लाइंस भी अच्छे अच्छे लिख सकते हो बाकी पे भी देखो आपको कुछ आइडियाज मिल रहे होंगे प्रॉपरली अब आपने देखा क्या है अगर कोई इंसान बता रहे कि मैं काम हूं मैं मैं बहुत पेशेंस वाला इंसान हूं तो थोड़ा सा वो हाईलाइट करिए पढ़ने में लगे इफेक्टिव लगना चाहिए वो अच्छा दिखना चाहिए है ना टीचर्स की नजर तुरंत उस पर जाएगी पढ़ने में ठीक है देन आई कैन टीच सॉरी आई कैन आई कैन एंड हैव वर्क अंडर प्रेशर ठीक है लाइक बहुत दबाव में भी मैं काम कर सकता हूं प्रेशर झेल सकता हूं मैं मल्टी टास्क हूं ऐसे ऐसे करके थोड़ा तो आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा ना और होना भी चाहिए बहुत झूठ भी नहीं लिखना मतलब इतना भी झूठ मत मतलब लिखना आप ओके अब आगे आते हैं डिफरेंट कल्चर में आप सर्वाइव कर सकते हो ऑफकोर्स ये तो आपसे क्वेश्चन किए भी जाते हैं कि इसमें होगा ही जरूर होगा कि आप आपके छोड़ तो नहीं दोगे आप डिफरेंट डिफरेंट जगह मैनेज कर पाओगे है ना ये बेसिकली ना टीचर्स तभी क्वेश्चन पूछता है अगर उन्हें लगता है कि हाँ जी इस कैंडिडेट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो तो ये बात पूछना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आप छोड़ के चले जाएंगे आप सुटेबल हो आपस में रहना चाहते हो तो क्वेश्चन उठते हैं ठीक है तो आप मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि यस आपको पसंद है फिर आता है कि मैं सेल्फ देखो मैं मैं बस हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ रही हूँ और कुछ समझ में आ रहा है कि उन्होंने लिखा क्या ठीक है तो ये चीजें फिर लॉट ऑफ फेलियर्स मैंने देखा है लाइफ में ठीक है एग्जाम का प्रेशर भी सा है तो इससे टीचर्स को ये, ये समझ में आएगा कि देखो ऐसा हमेशा नहीं लिख देना कि अरे बहुत सक्सेस बहुत तो वो क्या मतलब होता है इतना सक्सेस भी नहीं दिखाना चाहिए ठीक है हर इंसान फेल होता है ठीक है हर हर किसी के लाइफ में फेलियर है जब आप ये चीज दिखाओगे ना तो टीचर्स को समझ में आएगा कि जब ये बंदा खुद फेल होकर खुद सक्सेस पे आ रहा है समझ रहा है तो आप बच्चों को भी वैसे ही समझेगा समझ में आ रहा है तो ये सब सारे पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे क्योंकि जिसने फेल नहीं हुआ उसने कुछ सीखा ही नहीं भाई जब फेल होगा तभी तो और इम्प्रूव करेगा जब अच्छा रहेगा तो अच्छा ही तो रहेगा वो इंप्रूव थोड़ा ना हो पाएगा तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ठीक है अब देखिए इन्होंने आप ये भी मैंशन किया है कि करेंटली वो वर्क कर रहे हैं बट में एज सीनियर एकेडमिक स्पेशलिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ये मैंने आपको बताया भी था ठीक है अब आगे आते हैं देट एनी स्पेशल अचीवमेंट्स कुछ स्पेशल ऐसा कुछ किया है आपने तो अब बता रहे हैं यहाँ पे कि हां जी मैंने क्लास एट में हंड्रेड में हंड्रेड मार्क्स लाए थे देखो मैथमेटिक्स पे जोर दे रहे पता है इनका क्या था इनका इनका टीजीटी मैथ्स का था तो इन्होंने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पूरा पूरा जोर दिया ठीक है अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि हाँ जी पीआरटी में ऐसा या फिर अगर कोई टीजीटी के लिए देख रहा हो तो वो भी ऐसा बता सकते हैं लेकिन ओवरऑल आई होप आपको अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीजें है ठीक है आप अपने हिसाब से पे चेंजेस करेंगे मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप यही लिख लो मैं आपको बस एक आइडिया क्या लाइन आप फॉर्म कर सकते हो देन अगर आपने देख एग्जाम क्वालिफाई कीजिए ये मैं सोची कि अगर आपने बता दिया कि अरे हम तो एसएससी की प्रिपरेशन में थे और हमारा केवीएस में भी हो गया तो वो कहेंगे अरे आप तो वहां भी थे वहां भी थे ऐसा कुछ नहीं है वो आपके अचीवमेंट्स में जाता है तो अच्छी चीज है इनफैक्ट आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो आपको ट्यूशन कर रहे हो हर चीज इंपॉर्टेंट है देखिए कुछ ना सही से कुछ सही ये बात हमेशा याद रखिएगा ठीक है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ रहे हो एक्सपीरियंस को कुछ नहीं लिख रहे हो अपनी अचीवमेंट्स में तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना आप कुछ लिख दोगे ट्यूशन पढ़ाया ये करा वो करा कोचिंग सेंटर में पढ़ा तो अच्छे अच्छे इम्पैक्ट पड़ते हैं ठीक है जरूर ऐड करिएगा मेरा सजेशन तो आपसे यही है देन आपका आता है डेट सिग्नेचर था तो कैंडिडेट लास्ट में ठीक है so, सो इस तरीके से पूरा आप अपना जो, जो आपका बायोडेटा है वो आप बना सकते हो आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपको समझ में आया होगा ऐसे ही आपको रेडी करना है, आप चाहो तो अभी से ही वर्ड में टाइप करके फॉर्मेट को सेट कर लीजिए ठीक है ताकि जैसे ही आपको कॉल लेटर मिलता है क्योंकि अभी तो पी आर टी फिलहाल लेट भी हो रहा है ओके और टीजीटी पीजीटी के तो चल रहे हैं अभी तो ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो उस वजह से आप इसको कर सकते हो और भी जो पोस्ट के हो रहे हैं लाइक लाइब्रेरियन के ओके तो सबके लिए बेनिफिशियल है मैंने कहा